हेलो, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू साइरस क्लासेस। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक आइडिया एंड द बेसिक सब्जेक्ट। टुडे वी विल डिस्कस हियर अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज डिजीज। डिजीज This chapter comes into class 12 of biology. In disease, we will discuss here about immunity. Firstly, here we will discuss about immunity. What do you mean by immunity? Here we will deal about the first point, that is immunity. What is immunity? According to NCERT, it is given that ability of the host, ability of the host. Ability of the host to fight the disease causing the disease causing microorganisms or organisms। भाई यहाँ जो बीमारियां जो होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विच वन? यू कैन राइट डाउन हियर, माइक्रो। ओके, तो डिजीज जो है वो मेनली, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से आ जाते हैं? जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पार होने पर भी आती है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल भी आती है, तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी एक तरह का हमारे बॉडी का एबिलिटी है, ठीक है। होस्ट, व्हाट इज यू मीन बाय होस्ट? होस्ट मीन्स बॉडी, मीन्स माई सेल्फ। समझ रहे हो बच्चों? एबिलिटी हो गया क्षमता, होस्ट हो गया बॉडी, बॉडी की क्षमता। किस चीज के लिए क्षमता? फाइट करने के लिए। किस चीज की क्षमता? फाइट करने के लिए। और किस चीज से फाइट करने के लिए? वैसा ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, बीमारी कॉज करता है, वैसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। सो इन अदर वे वी कैन से दैट इम्यूनिटी इज व्हाट? इट इज द एबिलिटी। व्हाट? इट इज द एबिलिटी। ओके, बॉडी की। और किसकी एबिलिटी है ये एबिलिटी है बॉडी की, ठीक है। किसकी बॉडी? भाई खुद की बॉडी, किसी की भी बॉडी आ सकती है, कोई यहां पर ये नहीं है, समझ रहे हो। एनी इंडिविजुअल, माई सेल्फ, कोई भी हो गए, बॉडी की एबिलिटी है। और एबिलिटी हम यहाँ पर क्षमता दिखा रहे हैं, जैसे हर चीज की एक क्षमता होती है। हम एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमें अपनी क्षमता दिखानी होती है कि हमने जो पढ़ाई की है वो विद इन लास्ट 3 मंथ्स। वीकली टेस्ट होती है तो एक हफ्ते में होती है। अब हमने एक हफ्ते में क्या पढ़ाई है वो की है, उसी की क्षमता देखी जाती है कि हमने कितना सीखा है। तो वो इम्यूनिटी वहां पे बेसिस में, वहां पर वो एबिलिटी हो जाएगा, वो एबिलिटी हो गया, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर इम्यूनिटी किस सेंस में है कि हमारा जो बॉडी है वो बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसी है और उसको क्या कहते हैं, वो इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये है, यहाँ पर अगला पॉइंट है, ये जो क्षमता जो है कन्फर्ड बाय द, नेक्स्ट लाइन इज कन्फर्ड और प्रोवाइडेड भी कहते हैं इसको, प्रोवाइडेड
बाय दी। भाई कौन प्रोवाइड करेगा बॉडी में लड़ने की, बीमारी से लड़ने की क्षमता, याद रख लेना इसको अच्छे से समझ लो। कौन करेगा? इम्यून सिस्टम। हम अच्छे से दिमाग में डालो, डिजीज है मतलब दिमाग में आना चाहिए इम्यून सिस्टम। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड 19, कोविड 19, जिसका अभी भी कोई आपका वैक्सीन नहीं बना है। तो हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, अभी साइंटिस्ट हैं या फिर मेडिकल हेल्थ के लाइन हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, एक ही चीज कह रहे हैं कि भैया आप लोग क्या करना है, आपको इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने से मतलब देखिए आ गए यहाँ पर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बीमारी का अभी तक हमारे पास वैक्सीन बना है? नहीं बना है। कोरोना का वैक्सीन बना है? कोरोना का वैक्सीन भाई बना है? भाई नहीं बना है। ठीक है, अब हम याद रखना कि इम्यूनिटी, अब इस चीज को यहां पर अच्छे से समझ लो, हम बीमार तभी पड़ेंगे मतलब इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड तभी होंगे, गुड मतलब तभी होंगे जब हमारा इम्यूनिटी मतलब लड़ने की क्षमता कमजोर होगी। भाई हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, हम कब पिट के आएंगे? जब हमारी बॉडी कमजोर होगी, ताकत नहीं होगी अच्छे से, सामने वाला हमसे ज्यादा बलवान होगा, वो हम पर हावी हो जाएगा। लेकिन अगर हम मजबूत होंगे, इम्यूनिटी हमारा अच्छा होगा, तो क्या हम इन्फेक्टेड होंगे? नहीं होंगे। तो इसको हम देसी भाषा में मैंने बता दिया, नॉर्मल लैंग्वेज बता दिया कि ये क्या होता है। समझ रहे हो बच्चों? तो इम्यूनिटी एक तरह से, दूसरी बात एक बात और समझ लो इसको, मान लीजिए कि हमारे हर देश में बॉर्डर होता है। अगर बॉर्डर कमजोर होगा, मान लो ये बॉर्डर है, यहाँ हमारे इंडियन आर्मी है, यहाँ पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है के आर्मी है, अगर ये बॉर्डर कमजोर होगा तो हमारा ये दुश्मन है, इसको समझ लो ये है डिजीज और ये है इम्यूनिटी और ये है हमारी बॉडी और होस्ट। अरे समझ में, अगर बॉर्डर कमजोर होगा तो क्या ये आर्मी घुस जाएगा अंदर आराम से? और अगर घुस जाएगा तो ये आर्मी अगर एक्टिव नहीं रहेगा, सोया रहेगा, तो क्या ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्टेड होने के, दुश्मन के घुसने के, फिर हमें तहने बर्बाद कर देगा? अगर ये मजबूत रहा, उसके बाद भी अगर ये अटैक करेगा तो हमारी आर्मी इससे फाइट कर पाएंगी ना? तो यहां पर हमारा इम्यूनिटी का मतलब यही हो गया कि द एबिलिटी ऑफ द होस्ट, बॉडी की क्षमता, बॉडी की कैपेसिटी, जो वैसी कैपेसिटी जो हमारे काम आती है बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, वैसी बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी जैसे है, कोई भी बीमारी को पैदा कहाँ से होता है? किसी ऑर्गेनिज्म से होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है बीमारी को, हम उससे लड़ने की हमारी क्षमता जो कि प्रोवाइड किया जाता है, वो क्षमता जो आती है वो कौन प्रोवाइड करता है? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द विच वन? इम्यून सिस्टम। तो यहां पर अगर एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय विच सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी इम्यून सिस्टम, ऑप्शन डी नन। तो भाई क्या मारोगे? इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय इम्यून सिस्टम। सो इस क्लास में हमने यही जाना कि इम्यूनिटी क्या है। वी विल इन द नेक्स्ट क्लास डील अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द बॉडी। सो वीडियोस देखें आप जैसे लगे, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स करें कमेंट सेक्शन में, हाउ इज द, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड टेल मी हाउ इज माई एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन वे एंड एक्सप्रेसिव वे, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दैट इज साइरस स्कूल। थैंक यू।